स्टूडेंट्स, रचनास क्रिएशन कर्ची से कलम तक में आप सबका स्वागत है। अगर आप किसी भी तरह के पीटी का एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, यानी प्री देने की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भी पता होगा प्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री, सबसे वास्ट सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री, और सबसे ज़्यादा मुश्किल है मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार करना, क्योंकि ये बहुत वास्ट है। तो मैंने अपने पिछले एनालिसिस में आपको बताया था कि किस तरह से प्री के भी क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप खुद गेस कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स गेस कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज के आधार पर मैंने उसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है फास्ट रिविज़न की। तो ये जो फास्ट रिविज़न चल रहा है, ये इसका छठा वीडियो है। तो सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का ही फास्ट रिविज़न कर रहे हैं। फास्ट रिविज़न का जो हमारा आधार है, वो पिछले 20 सालों में किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में पीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए, मैं उन क्वेश्चंस को रिविज़न करा रही हूँ और उन क्वेश्चन के साथ उस पूरे टॉपिक को ही तैयार करवा दे रही हूँ। यानी आज की वीडियो में मैं आपको 55 क्वेश्चंस, आज तीन टॉपिक हम कवर कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का, जिसमें तीनों टॉपिक कांग्रेस से रिलेटेड है, नरम दल, गरम दल, क्रांतिकारी आंदोलन। और ये एक बहुत लंबा फेज है, जैसा कि पिछले में हमने किया था बिफोर कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस के अधिवेशन, इसको हमने 50 क्वेश्चन के थ्रू किया था और उन 50 क्वेश्चन से हम लोगों ने कम से कम 200 क्वेश्चंस की तैयारी कर ली थी। सेम इसी तरह आज हम 55 क्वेश्चंस करने वाले हैं और 55 क्वेश्चन के साथ हम ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन की तैयारी कर लेंगे और इस ट्रिक से करेंगे, इस फटाफट रिवीजन करेंगे कि आपको वो ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से कंटेक्स हो जाएगा और एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्लास को पूरी ज़रूर देखिएगा और अगर क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है नरम दल पद्धति से, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो पहला क्वेश्चन हम लोग तैयार कर लेते। ये पद्धति थी राजा वामबंध, ठीक है। ये कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति थी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला पूछा जा सकता है, मान लीजिए ऑप्शन में दे दिया, तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल एगिएशन, ठीक है। और इसका मतलब था प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग और जनता में राजनीतिक जागरूकता उपलब्ध करना। तो भारतीय भागीदारी की मांग किसने की थी? तीसरा क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो नरम दल वालों ने की थी। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति से ये तीन क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है नरम दल के उद्भव से रिलेटेड। तो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो इसका आंसर है स्वदेशी के बाद, स्वदेशी आंदोलन के बाद। ऑप्शन आपको असहयोग, भारत छोड़ो, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा दिया गया। ये 2015 का क्वेश्चन है। अब आगे क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं? स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तु के बहिष्कार से बंगाल से बाहर प्रसार को लेके कांग्रेस के उग्रपंथी और नरमपंथी के मध्य मतभेद हुआ। तो किस बात को मतभेद हुआ था? स्वदेशी में भी किस बात को मतभेद हुआ था? बंगाल के बाहर प्रसार को लेके मतभेद हुआ था और बहिष्कार को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्से तक पहुंचाना चाहते थे गरमपंथी नेता। कौन पहुंचाना चाहते थे? ये क्वेश्चन है, गरमपंथी नेता। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग ना दिया जाए। ये दूसरा इनका तथ्य होगा कि वो सिर्फ विदेशी बहिष्कार से संतुष्ट नहीं थे, ठीक है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया नरम दल के उद्भव से रिलेटेड, स्वदेशी के बाद हुआ, ये पूछा जा चुका है, और कौन सा मुद्दा था वो अगला पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं नरमपंथी नेता से रिलेटेड क्वेश्चन। अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, दोनों से और पंजाब से? तो इसका आंसर है शहरी क्षेत्र से थे। अब ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है 2000 में भी और 99 में भी। अब आगे का कुछ चीज आपको बता दूं, उदारवादी या नरमपंथी जो थे वो भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता जैसे कि दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन शाह वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
ये सब शहरी क्षेत्र से थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन पांचों के नाम याद कर लीजिए कि ये सब नरमपंथी नेता थे। दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीन सा वाचा, विमेश चंद बनर्जी, सुनील नाथ बनर्जी, ठीक है। अगला, इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिसमें कि वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, इनका अधिकार था। मतलब नरमपंथी नेता मैक्सिमम लोग क्या थे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्य, और बड़े बड़े पद पर ये लोग रखते थे। और कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे, इनका जनसंपर्क से कोई लेना देना नहीं था। तो ये आपके हो गए और क्वेश्चन नरमपंथी नेताओं से रिलेटेड। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया दादाभाई नौरोजी से। तो दादाभाई नौरोजी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड। अब इसके अलावा दादाभाई नौरोजी से क्या क्वेश्चन पूछता है वो हम देख लेते हैं। तो दादाभाई नौरोजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पे बल दिया। इसका आंसर है स्वशासन देने पे बल दिया था दादाभाई नौरोजी ने। अब 1904 में दादाभाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की, और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबद्ध चार प्रस्ताव पारित किए गए। तो अगला आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया, किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कब, 1906 में, कितने प्रस्ताव, दादाभाई नौरोजी के चार प्रस्ताव। कौन कौन से प्रस्ताव थे, एक तो था आपका स्वदेशी, दूसरा था बहिष्कार, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा और चौथा था स्वशासन। क्योंकि अगर स्वशासन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो आगे के आपके यही क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ये टॉपिक इसी तरह से दादाभाई नौरोजी का ये पूरा हमने रिवीजन कर लिया। आप चलते हैं गोखले पे। गोखले से क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे। तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो उदारवादी खेमे से संबंधित थे, यानी कि नरम दल के नेता थे, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत मृदु थे। उन्हें विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार जो है इसी तरह से हो सकता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले किस दल के थे, नरम दल के नेता थे। अब आगे इनसे और क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगी। टॉपिक वाइज किसी भी पर्सनालिटी को कवर करिएगा तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और याद भी हो जाएगा। अब फिर आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। अब तिलक से रिलेटेड क्वेश्चन, 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर गरम दल यानी उग्रवादी दल का उदय के साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दल का उदय हुआ, ठीक है, जिसके प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल। तो नॉर्मली इसको बोलते हैं लाल बाल पाल घोष। तो ये याद कर लीजिए, ये गरम दल क्रांतिकारी उग्रवादी दल का ये थे। इन नेताओं ने स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाया और उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह ही संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने में विश्वास नहीं था। मतलब मांग इन लोग की भी वही थी जो उदारवादियों की थी, लेकिन मांगने का तरीका अलग था। इनका उद्देश्य, उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। तिलक का एक स्टेटमेंट पूछा जा चुका है कि प्रार्थना, याचना या विरोध की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पे किसने लगाया, तिलक ने। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। स्वराज के लिए किसने ये स्टेटमेंट दिया था, तो इसका भी आंसर होगा तिलक, ठीक है। तो ये हो गया तिलक से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आपको ये क्वेश्चन सीरीज इम्पोर्टेंट लग रही है, तो प्लीज लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इससे हमें अप्रिशिएशन मिलती है आपके लिए और मेहनत करने के लिए। हमें ये पता चलता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, इसका मतलब हमने सही डायरेक्शन में मेहनत की। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड से इसे शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट किया और रोज की क्लास से अपडेट रहना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन है गरम दल से। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की निजी अंतर्गत समाप्त हो गई। कब समाप्त हुई,
जब बाल गंगाधर का नेतृत्व, बाल गंगाधर तिलक का, तो फिर से ये बाल गंगाधर से क्वेश्चन पूछा गया। फिर से क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा, यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद बाल गंगाधर ने उस पर यह टिप्पणी की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में गर्मपंथी कब प्रभाव में आए, गर्म दल, तो इसका आंसर है 1906 में। अब 1906 में भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गर्म और नरम दल थे। गर्म दल का प्रभाव बढ़ने लगा और गर्म दल का नेतृत्व प्रमुख कौन थे, लाल बाल पाल और घोष। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य मनाया, माना और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नेता में से बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो ये हो गया गर्म दल के उद्भव से रिलेटेड। अब चलते हैं किस कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो आंसर है अरविंद घोष। चलिए अब तो अरविंद घोष को भी तैयार कर लेते हैं। अरविंद घोष जो है वो कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा और गर्म दल के नेता थे, बता दिया। गर्म दल के चार स्तंभ में से इन्हें एक माना जाता था, लाल बाल पाल और घोष, ये चौथा स्तंभ है। 1893 से 94 में अपने एक लेख में इन्होंने कहा कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है। तो घोष का ये स्टेटमेंट इम्पॉर्टेंट हो गया और इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट ना करने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी थी। उनके अनुसार कांग्रेस जो है वो छह रोग से मरने वाली है, ये स्टेटमेंट किसका था, अरविंद घोष का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर 1908 में पुलिस द्वारा मणिक तल्ला उद्यान में छापा मारा गया, जिनमें 34 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया। मणिक तल्ला इम्पोर्टेंट हो गया। सभी के ऊपर कौन सा केस चलाया गया, ये पूछा गया है, अलीपुर षड्यंत्र केस चला और अरविंद घोष को एक वर्ष की सजा हुई, पर बाद में सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया और ये क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर के सन्यासी बन गए और कहाँ चले गए, पांडिचेरी चले गए। तो अरविंद घोष से बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, कायरता किसको कहा, किसने कहा, अरविंद घोष ने। छह रोग से कांग्रेस मर जाएगी, अरविंद घोष। मणिक तल्ला में छापा पड़ा था, कौन गिरफ्तार हुआ था, अरविंद घोष। कौन सा केस चला था, अलीपुर षड्यंत्र केस। फिर क्या बन गए थे, कौन बन गए थे सन्यासी, अरविंद घोष। सन्यासी बन के अरविंद घोष कहाँ चले गए थे, पांडिचेरी। तो इस तरह से अरविंद घोष से हमने इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। अब अगला हमारे हैं लाला लाजपत राय। तो चलिए लाला लाजपत राय का क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं, जो पूछे गए हैं 2013 में या 15 में, किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना। तो इसका आंसर है मैजीनी। ठीक है, पहले तो आप आंसर रट लीजिए, अब इसको रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन करने का किसी भी सब्जेक्ट का सही तरीका यही होता है, क्योंकि रिवीजन के टाइम में आप पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको बैक ईयर क्वेश्चन उठा करके इस तरह से रिवीजन करना चाहिए, तो ही आप एग्जाम में कोई सभी तरह से कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो लाला लाजपत राय ने इटली के थे, ये मैजीनी कहाँ के थे, इटली के क्रांतिकारी थे मैजीनी। उनका जब बायोग्राफी पढ़ा, उनका जीवन वृत्त को पढ़ा, तो इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और उन्होंने ही मैजीनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटी ऑफ मैन, अगला क्वेश्चन, ये किसकी किताब है, मैजीनी की, और इसका उर्दू में अनुवाद किसने किया, तो लाला लाजपत राय ने किया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपको मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताए हैं बिपिन चंद्रा और बाकी बुक्स को कवर करते हुए, इसलिए सिर्फ मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सिर्फ बैक ईयर क्वेश्चन आपको कवर नहीं कराती हूँ, इसके साथ साथ मैं बुक्स भी कवर करवा देती हूँ, एनसीईआरटी और दो किताब। चलिए तो अब हो गए लाला लाजपत राय, अब है मध्यम मार्गी। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो मध्यम मार्गी नहीं थे। तो कौन कौन थे ये जान लीजिए, गोखले, एओ ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। तो कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी अथवा मध्यम मार्गी नीतियों में नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध थे लाल बाल पाल, मोह भंग हो गया और बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत रहे। वे मध्यम मार्गी ना होकर उग्र नीति के समर्थक थे, इसलिए इनको मध्यम मार्गी नहीं कहा गया। ये 10 क्वेश्चन के थ्रू मैंने ऑलमोस्ट आपके 40 क्वेश्चन कवर करा दिए। अब हम लोग चलते हैं इस सीरीज में आगे। चलिए तो अगला है स्वदेशी।
निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो इसका आंसर है अरविंद घोष। ठीक है, तो बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन, किसके विरोध में? बंगाल के विभाजन के विरोध में, और इसके नेता थे अरविंद घोष। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय पंजाब से, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से, बिपिन चंद्र पाल बंगाल से। तो स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक है। मॉडर्न हिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट, कुछ टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट है जिनसे एक बार में आप क्वेश्चन नहीं तैयार कर सकते, वो क्वेश्चन का एक स्टेप्स होता है। अगर आप तिलक के बारे में एक ही बार में सारा रटने की कोशिश करिएगा तो वो कभी भी आप क्वेश्चन सही सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसलिए जिस तरह से सीरीज बढ़ा है हम उसी सीरीज में सारे पर्सनालिटीज को कवर करेंगे। तो तिलक से रिलेटेड ही अगला क्वेश्चन है, भारतीय अशांति का जनक कहा गया तो लोकमान तिलक को। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था, और इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था में बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। तो किसके प्रयासों से कांग्रेस सरकार की आलोचक संस्था बन गई? अगला क्वेश्चन आपके लिए, तिलक के प्रयास से। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी और सर वैलेंटाइन शिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा। अब आप सोच रहे होंगे ये वैलेंटाइन शिरोल जो है ये हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है नहीं। मैं आपको बताती हूँ, ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आपको भारतीय शांति का जनक, ये 2001 में पूछा गया। इसके बाद 2013-2015 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा, वैलेंटाइन शिरोल ने। मतलब ये होता है फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन, इसलिए मैं हर क्वेश्चन के साथ उसका फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन आपको तैयार करवा देती हूँ। तो मैंने आपको बता दिया वैलेंटाइन शिरोल से पूछा गया। अब आगे क्या पूछा जा सकता है कि तिलक शिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे, कारण पूछा जा सकता है, और मुकदमा हार गए के ऊपर इनका प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ गया, इसलिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, बाल गंगाधर तिलक को सजा के बाद निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये कहा था मैक्स मूलर ने, यानी फिर से तिलक से क्वेश्चन। अब बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाने के बाद मैक्स मूलर ने 17 फरवरी 1898 को प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबॉक के लिखे एक पत्र में वकालत करते हुए कहा कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ये आपका फॉरवर्ड लिंक का क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा के बाद स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा दी गई थी? इसका भी आंसर है तिलक। अब 1908 में तिलक को केसरी में प्रकाशित लेख के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, ये कारण अब पूछ सकता है। अगर सजा पूछा गया है तो अगला होगा आपका कारण। तो केसरी में लेख के आधार पर इनको ये राजद्रोह का केस चला और 6 वर्ष की सजा दी गई, और कहाँ भेजा गया? मांडले जेल, यानी कि वर्मा भेज दिया गया। ये आगे के क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? तो इसका आंसर है संवैधानिक साधन और याचिका के स्थान पर आक्रामक साधन से स्वशासन प्राप्त करना, उग्रवादियों का ये मेन था, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। अब बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के साथ किस निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? सोचिए 2014 में क्वेश्चन का लिंक यहाँ तक पड़ गया। इसका आंसर है शौकत अली ने। तो पहले इस और रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते, 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हुई बाल गंगाधर तिलक की, याद कर लीजिए। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, आगे का क्वेश्चन और कौन थे, गांधी थे, शौकत अली थे, और एक और नाम इम्पोर्टेंट है कीचलू, सैफुद्दीन कीचलू ने उठाया था।
मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आपके लिए बनता है कि शोक गीत किसने पढ़ा था। अगर भाई यहाँ तो क्वेश्चन पूछ सकता है आरती उठाने से, तो शोक गीत भी पूछ सकता है। तो हसरत मोहानी ने मतलब अपने उन्होंने शोक गीत गाकर सबका मन मोह लिया, ये कोड बना लीजिए। ये हो गए आपके 20 क्वेश्चन और तैयार, तो टोटल हमने 60 क्वेश्चन आज, 15 क्वेश्चन के थ्रू हमने लगभग 60 क्वेश्चन तैयार कर लिए। अब ये वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा की हो गई तो मैं कोई भी टॉपिक को ओवरलोड नहीं करती हूँ स्टूडेंट्स पे, जितना उनको एक बार में समझ आ सके, याद रख सके, माइंड में सेव रह सके, मैं उतना ही करती हूँ। तो इस सीरीज़ को मैं आज यहीं स्टॉप कर रही हूँ, अगला क्वेश्चन का सीरीज इसी को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो प्लीज़ आप इस सीरीज से जुड़े रहिए फर्स्ट डिवीजन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन।